दोस्तों 20 अगस्त साल 1977 ये वो दिन था जब नासा ने अंतरिक्ष को और डीपली ऑब्जर्व करने के लिए वॉयेजर 2 नाम के अपने स्पेसक्राफ्ट को धरती से लॉन्च किया था और इसी लॉन्च के जस्ट 16 दिन बाद वॉयेजर प्रोग्राम के ही दूसरे स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 को भी उसकी जर्नी के लिए लॉन्च कर दिया गया था। जी हाँ, नंबरिंग 1 होने के बावजूद भी वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इतने साल पहले लॉन्च होने वाला ये प्रोग्राम अगर आज दशकों बाद भी एक्टिव है तो हम लोग आज के समय में ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं बनाते जो इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर ट्रैवल कर सके। अब देखो, आज की हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आज हम एक स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भेज सकते हैं और साथ ही साथ कैमरे की मदद से देख भी सकते हैं कि आखिर वो जगह कैसी दिखती होगी। लेकिन फिर भी हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं वॉयेजर प्रोग्राम के रहस्यों के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970s में। नासा के कुछ हेड साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो अपने ढेर सारे फंड्स को दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनकी मदद से वो एक्चुअल स्टेट में जुपिटर और उसके बियॉन्ड पहुंचकर हमें सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की फोटो के साथ साथ उनकी सरफेस डिटेल भी दे पाएंगे। और इसी आइडिया के साथ जन्म हुआ वॉयेजर प्रोग्राम का। अब दोनों ही स्पेसक्राफ्ट को 470 वॉट के रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से लैस किया गया था और लॉन्च के समय यह एस्टिमेट किया गया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट 5 साल ऑपरेशंस जारी रखने के दौरान धरती पर जरूरी डिटेल्स भेजेंगे और सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तस्वीरें खींचेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। बट गेस व्हाट, आज 45 साल से भी ऊपर बीत जाने के बावजूद ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट सही सलामत ऑपरेशंस करते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि साल 2025 तक जैसे ही काम करते रहेंगे। हावेवर, वॉयेजर मिशन में टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से भी बड़ा रोल था उस समय के एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मेशन का। जब इन दोनों प्रोग्राम्स के लॉन्च के लिए सारी चीजें तैयार की जा रही थी तो ये देखा गया था कि 1978 के आसपास हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कुछ इस तरह से अलाइन होंगे कि उनके ऑर्बिट में एंटर करने के बाद उन प्लैनेट्स की ग्रेविटी की मदद से स्पेसक्राफ्ट किसी स्लिंगशॉट की तरह पुश रिसीव करते हुए दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर आया वो कैच जिसकी वजह से दोनों स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च डेट में हेर फेर हो गई। दरअसल वॉयेजर 2 को डिजाइन करने का पर्पस ही ये था ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर करोड़ों किलोमीटर दूर की चीजों को एक्सप्लोर कर सके, जबकि वहीं पर वॉयेजर 1 को कंपैरेटिवली सेकंड स्पेसक्राफ्ट से कम डिस्टेंस कवर करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस की गई और देखा गया कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 18 से 21 अगस्त के बीच में लॉन्च होगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी के अनुसार प्लैनेट्स उसको बड़ा पुश दे पाएंगे, जिस वजह से यह स्टेट किया गया कि इस डेट में लॉन्च होने वाला स्पेसक्राफ्ट लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। बस फिर क्या था, जरूरी इंतजाम किए गए और मौके की नजाकत को समझते हुए 20 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे वॉयेजर 2 पहले लॉन्च कर दिया गया। अब चीजें वैसे ही होती रही जैसी सोची गई थी, जिस कारण थोड़ी मेहनत और थोड़े चमत्कार की वजह से जिस मिशन को 1982 में खत्म होना था वो 2022 में भी खत्म नहीं हुआ। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में स्पेस साइंस की फील्ड में हमने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाई है। अब देखो, ऐसे में सबसे अहम सवाल ये आता है कि अगर हम लोगों के पास 1977 के मुकाबले आज इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो अब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर मीडियम में जाने के लिए क्यों नहीं भेजते? वेल, चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी स्टडीज तो और ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। अब वैसे तो इस सवाल के जवाब को देने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए हम आपको कुछ मेजर चीज़ों के बारे में ही बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस है। आउटर प्लैनेट्स में जो अलाइनमेंट साल 1978 के दौरान देखने को मिल गया था वो अलाइनमेंट हर 176 साल में एक बार आता है, मतलब कि वही सेम कंडीशन अगली बार सीधा साल 2154 में देखने को मिलेगा। और जिस धरती पर हर साल उल्कापिंड का खतरा मंडराता रहता है वहां इतनी एडवांस प्लानिंग का अभी कोई तुक नहीं बनता। अब आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन दूसरी समस्या है टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस।
वॉयेजर 1 इस वक्त धरती से करीब 23.8 अरब किलोमीटर दूर है, वहीं वॉयेजर 2 के केस में यह डिस्टेंस 19.8 बिलियन किलोमीटर के बराबर है। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो वॉयेजर 2 की स्पीड 55,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है और वॉयेजर 1 भी इस मामले में 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा है। अब देखो, ये बात चाहे कितनी ही खराब क्यों ना लगे, लेकिन हम लोग अभी तक किसी भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट को नहीं बना पाए हैं जो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के भी आसपास आ सके। अब देखो, वो बात तो अलग है कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के केस में भी उन्हें प्लैनेट्स की ग्रेविटी से पुश मिला और थोड़ा भाग्य का सहारा भी, इसीलिए ये इतनी मैसिव स्पीड को अचीव कर पाए। वरना सपोज कि अगर आज हम लोगों ने कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया भी, तो भी उसको इन दोनों के लेवल तक पहुंचने में कम से कम 60-70 सालों का वक्त लग सकता है, जो वैज्ञानिकों को वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि तब तक बेशक हम लोग इस फील्ड में एक इतना बड़ा जंप ले चुके होंगे कि इस लेवल के स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए वेस्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा और कुछ भी नहीं रह जाएंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट से याद आया कि पैसा भी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इस समय बहुत बड़ी आफत बनकर बैठी है। अब आपकी जिंदगी भले ही अब कोरोना के बाद सुधरने लगी हो, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर पहले कोविड और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो तो अब यूट्यूबर्स के CPM में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है, जिस कारण नासा समेत दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बड़ी स्पेस एजेंसीज का बजट कई गुना कम हो चुका है, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। अब एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि बजट की समस्या सॉल्व हो गई, तो भी एक स्किल्ड मैन पावर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, और ग्लोबली इस समय पैंडेमिक के बाद से ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अब रही बात नासा की, तो नासा के साइंटिस्ट ऑलरेडी पार्कर सोलर प्रोब, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आर्टिमस, जिस पर चांद में बस्ती बसाने का दबाव है, इन सब के अलावा ऐसे ही दर्जनों और रिसर्च टीम्स इस समय किसी न किसी प्रोजेक्ट में या फिर कुछ तो दो दो प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा बिजी है, जिस कारण इस मिशन की शुरुआत ना तो सिर्फ पैसों की तंगी के कारण मुश्किल है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल लिमिटेशन भी इसमें एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब तीसरा और आखिरी कारण यह है कि हमें ऐसे किसी प्रोब की अभी जरूरत ही नहीं है। अब भाई देखो, वॉयेजर 1 या 2 दोनों ही इस वक्त अंतरिक्ष की इतनी गहराई में जाकर जो तस्वीरें लेंगे या जो रीडिंग्स और डिटेल्स हमें सेंड करेंगे, उससे कई गुना साफ और डिटेल से भरी तस्वीरें इस वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पॉइंट पे रहकर ही खींच सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ऑलरेडी अंतरिक्ष में बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस चल रहे हैं, जो बिग बैंग की ओरिजिन तक को ढूंढने के लिए दिन रात एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब ऐसे में हमें वॉयेजर जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है ही नहीं, जो बस कुछ बिलियन किलोमीटर पर जाकर डिटेल्स इकट्ठा करे, बल्कि हमें जरूरत है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे किसी प्रोजेक्ट की, जिनकी मदद से हाई स्पीड ट्रैवल करके कुछ लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पास से स्टडी किया जा सके। और बस यही कुछ मेजर रीजन है जिनकी वजह से ना तो अभी वैज्ञानिकों ने वॉयेजर जैसा कोई मिशन प्लान किया है और ना ही आगे करने की सोच रहे हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, आज के दौर में किसी ऐसे स्पेस प्रोब को डिजाइन करके उसे इस लायक बनाने में कि वो बिना किसी प्लैनेटरी अलाइनमेंट की मदद के इतनी मैसिव स्पीड को जनरेट कर ले, इसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सोलर पावर को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करके हम किसी स्पेसक्राफ्ट को इस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुपिटर के बाद सन की एनर्जी इतनी फेड हो जाती है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटली सोलर पावर के भरोसे चल ही नहीं सकता, विच मेक्स सच प्रोजेक्ट ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हालांकि आगे आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉस्मोलॉजी की याद को हमेशा हमेशा के लिए हिला कर रख सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी है जो साइंस फिक्शन मूवीज से इंस्पायर होकर बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप भविष्य में रिवॉल्यूशन लाने वाले उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। डेफिनेटली अगर आपके कमेंट ज्यादा हो तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ इन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखना, आपको और ज्यादा पसंद आएंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।